आई थिंक वी आर लाइव नाउ। सो वेलकम टू माई चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की कंप्लीट ईवीएस। दोपहर वाली स्ट्रीम में थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, इसलिए वो बीच में रुक गई थी, तो अभी मुझे फिर से पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो थर्ड और फिफ्थ की ईवीएस हम कर चुके हैं। ओके, आप प्लेलिस्ट में जाके उन दोनों वीडियो को देख सकते हो। और इसमें हम करेंगे फिफ्थ क्लास की कंप्लीट ईवीएस। इन तीनों वीडियो के बाद आपको एनसीईआरटी ईवीएस देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन वीडियोज में कंप्लीट ईवीएस कवर कर दी गई है। और किसी को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकता है, बहुत मिनिमल सा रेट है उसका। नहीं तो अगर फ्री में पढ़ना है तो यूट्यूब पे तो वीडियो है ही फ्री वाला, है ना। तो एक बार बता दो आवाज आवाज क्लियर है तो फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट कर दो यार कि वॉइस क्लियर है तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब के नोटिफिकेशन नहीं जाते यार, तो बच्चे जुड़ नहीं पाते मेरे ख्याल से। एक बार प्लीज कमेंट कर दो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। वॉइस क्लियर है, एक बार कमेंट करना है प्लीज। वॉइस एंड वीडियो क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो खुद ही सुननी पड़ती है यार, कोई कमेंट भी नहीं करता है। एक मिनट मैं वॉइस देख लेता हूँ। वॉइस वॉइस क्लियर नहीं है। एक मिनट, आप देखना। चलो मेरे ख्याल से अब ठीक आ रही है आवाज। बीच में कोई दिक्कत लगे तो प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला चैप्टर है सुपर सेंसेस, इंद्री के बारे में। तो कितने ऑर्गन्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है सेंसेस के बारे में। आईज देखने में हेल्प करती हैं, ईयर सुनने में हेल्प करते हैं, नोज सूंघने में हेल्प करते हैं, स्मेल से हमें पता चलता है कई चीजों का, स्किन हमें फील या टच करने में मदद करती है, और जो टंग है वो टेस्ट करने में मदद करती है, ठीक है। जो जो एंट होती हैं, जो चींटियां होती हैं, वो कैसे कम्युनिकेट करती हैं, विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स। और वो केमिकल्स बेसिकली होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, उसकी मदद से वो कम्युनिकेट करती हैं आपस में। मॉस्किटो को कैसे पता चलता है? मॉस्किटो को पता चलता है हमारी फूड की स्मेल से, और वो बॉडी टेम्परेचर डिटेक्ट कर लेते हैं। ओके, सिल्क वॉर्म कई किलोमीटर दूर से फीमेल का पता लगा सकता है। कैसे? क्योंकि कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं। डॉग्स अपनी टेरिटरी की मार्किंग कैसे करते हैं? अपनी यूरिन से। ओके, देन है कुछ काइट्स, मतलब कि चील या वल्चर्स, गिद्ध
उनकी जो देखने की क्षमता होती है वो हमारी आंखों से 4 गुना तक ज्यादा होती है, ठीक है। और जो एनिमल्स डे टाइम में देखते हैं उनको दिखता है सब कलर में, और जो एनिमल रात को देखते हैं उन्हें सब दिखता है बेसिकली ब्लैक एंड वाइट में। ओके, चलो, स्नेक को कैसे फील होता है? वाइब्रेशंस के थ्रू, ठीक है, कंपन के थ्रू उन्हें चीजों का एहसास होता है कि कोई प्रे है या कोई शिकारी है। देन जंगल में लंगूर होते हैं और जो चिड़िया होती हैं वो वार्निंग सिग्नल्स कैसे देते हैं? पर्टिकुलर साउंड्स के जरिए, ठीक है। कुछ एनिमल्स को अर्थक्वेक का भी पता चल जाता है, और दिसंबर में जब 2004 में अंडमान में सुनामी आई थी तब भी क्या हुआ था, बहुत से एनिमल का बिहेवियर चेंज हो गया था, और जो ट्राइब थी वहाँ की, जो वहाँ की जनजाति थी, जो लोग थे वहाँ के, वो सेफर जगह पे चले गए थे, ठीक है, सुरक्षित जगह पे चले गए थे, और उसके बाद सुनामी आई लेकिन वो बच गए, ठीक है। तो एनिमल के बिहेवियर्स ने उनको बचा लिया। और जो डॉल्फिन होती हैं वो भी कम्युनिकेट करती हैं विद द हेल्प ऑफ साउंड, आपने डिस्कवरी चैनल या एनिमल प्लेनेट पे देखा होगा। चलो, देन है जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं बेसिकली, जो लिजर्ड्स होती हैं, फ्रॉग्स होते हैं, वो शीत निद्रा में चले जाते हैं जिसको कहते हैं हाइबरनेशन, ठीक है, क्योंकि ठंडे इलाके में रहेंगे तो उनका ब्लड जम जाएगा और वो इनएक्टिव हो जाएंगे। समर स्लीप को कहते हैं बेसिकली एस्टिवेशन, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब भी ये जानवर जमीन के नीचे चले जाते हैं ताकि ये मरे ना। ओके, चलो, ये है स्लॉथ। स्लॉथ बहुत ही ज़्यादा आलसी होता है या बहुत ही ज़्यादा लेजी होता है, ये 17 घंटों तक सो सकता है, ठीक है, 17 आवर्स के करीब ये सो सकता है पूरे दिन में। पत्तियां खाता है और मोस्टली पेड़ों पर ही रहता है पूरी जिंदगी, ठीक है, और ये 40 साल तक जीता है, और हफ्ते में एक दिन क्या है ये रिलैक्स करने के लिए नीचे भी आ जाता है कि नीचे की दुनिया भी देख लिया हम लोग। और ये है स्लॉथ, स्लॉथ ऐसा दिखता है। चलो, देन है टाइगर, तो टाइगर की जो रात में देखने की क्षमता है वो है 6 गुना तक ज्यादा, ठीक है, और जो इसकी रोर है, जो गर्जन की आवाज है, वो 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है, ठीक है। और जो इसके विस्कर होते हैं, जो ये बाल हैं इसके मुंह के पास, समझने के लिए कि आप कह दो कि ये दाढ़ी है, तो इसके जो विस्कर होते हैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और ये एयर में जो भी बदलाव आ रहा है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि पत्ते गिरने की आवाज है या किसी की कदमों की आवाज है। ओके, देन है ये टाइगर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल है, सबसे चौकन्ना एनिमल है ये, और ये अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं अपने यूरिन से, ठीक है, और बेसिकली ये दूसरे की टेरिटरी में नहीं जाते हैं। चलो, देन है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में है स्टोरी आर्यनाथ की, जो कि है एक स्नेक चार्मर, मतलब सपेरा, ठीक है। तो हमें पता है सपेरों को या स्नेक चार्मर्स को बीन बजानी आती है, और ये बिलोंग करता है आर्यनाथ कलबेलिया जनजाति से, मतलब राजस्थानी ट्राइब से, जो कि राजस्थानी ट्राइब है कलबेलिया। देन एक टर्म है इस चैप्टर में नाग गुम्फन, ठीक है, तो नाग गुम्फन क्या है, ये कुछ तरह की रंगोली एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई और वॉल डेकोरेशन है, कहाँ पे बेसिकली होती है, सौराष्ट्र में, जो कि है गुजरात और कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स में भी होती है, ठीक है, और इसमें बेसिकली नाग से रिलेटेड डिजाइन बनाए जाते हैं, तो ये है नाग गुम्फन, प्लीज इसको अच्छे से याद रखना। चलो, देन है ये फैंग्स। फैंग्स एक्चुअली क्या होते हैं, ये टीथ होते हैं, और ये हाइपोडर्मिक नीडल की तरह होते हैं, जैसे हमें इंजेक्शन लगता है ना उसी तरह से इनके टीथ भी होते हैं, इनके टीथ ऐसे होते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है, पर यहाँ पे इनकी ग्लैंड होता है, ठीक है, जब सांप काटते हैं तो इन ग्लैंड से जहर बाहर आ जाते हैं दांतों के थ्रू, इनके दांत मतलब खोखले होते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं फैंग्स। चलो, जो कलबेलिया है वो अपनी डॉटर के शादी में क्या देते हैं, स्नेक देते हैं, और कलबेलिया डांस फेमस है बहुत, और इसमें जो मूवमेंट्स होती हैं वो स्नेक की तरह होती हैं, ठीक है। देन कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है, बीन तुम्बा खंजीरी एंड ढोल, तो जो बीन तुम्बा खंजीरी हैं ये बनती हैं
ड्राइड गार्ड से मतलब लौकी से या घिया से, जैसे भी आप जानते हो इसको, ये इंस्ट्रूमेंट बनते हैं सूखी हुई लौकी से या घिया से। ओके, तो हमारे देश में वैसे बहुत सी स्पीसीज हैं सांपों की, लेकिन जो पॉइजनस या वेनेमस हैं वो बस चार हैं, चार ही स्पीसीज हैं सांपों की जो जहरीली हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखना आप लोग प्लीज। कोबरा, कॉमन ग्रेट। कॉमन ग्रेट बहुत ही ज़्यादा ब्लैक होता है गांव में या झाड़ियों में, कई बार आपने देखा हो शायद, ना ही देखो तो ज़्यादा अच्छा है। रसल वाइपर जिसको हिंदी में दुबैया कहते हैं, और फोर्थ है सौ स्केल्ड वाइपर, ठीक है, जिसको कहते हैं अफाई। तो ये चारों आप याद रखना। एंटीवेनम क्या है? एंटीवेनम वो दवाई है जो कि सांप काटने पर दी जाती है। बेसिकली इसमें क्या होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। और ये बनता किसे? स्नेक के ही पॉइजन या वैनम से बनता है। वैनम एक्चुअली हॉर्स में इंजेक्ट कर लिया जाता है बहुत ही कम क्वांटिटी में, तो घोड़े में या हॉर्स में बन जाती हैं एंटीबॉडीज। जब किसी पेशेंट को वो काटता है तो यही एंटीबॉडीज इसमें इंजेक्ट कर दी जाती हैं। एंटीबॉडीज का डिजाइन एक्चुअली वाइज ऐसा होता है, ठीक है, इसलिए है। चलो, देन है चैप्टर 3, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हैं इसमें। करेले को क्या कहते हैं? बेटर गार्ड कहते हैं। गुड़ को जैगरी कहते हैं। इमली को टैमरिंड। सौंफ को एनिसीड या फेनल। आंवला, इंडियन गूजबेरी, इन सभी का टेस्ट अलग अलग होता है। ग्लूकोज से हमें मिलती है एनर्जी, ओके, मतलब कार्बोहाइड्रेट से। एक और टर्म है इसमें कि जो काला हांडी जगह है वो कहाँ पे है? वो है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है वो। चलो, देन है इसमें कि जब हम बहुत देर तक कोई मीठी चीज खाते हैं तो कुछ देर बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, अगर हम बहुत देर तक अपने मुंह में रखते हैं तो। ऐसा क्यों होता है? तो उसमें जो स्टार्च होता है ना वो डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। जो हमारी लार है उसकी मदद से स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है और मीठी चीजों का टेस्ट हमारे मुंह में बदल जाता है, ठीक है। जैसे च्युइंगम खाते हैं ना, तो उसमें क्या है, शुगर हम डाइजेस्ट कर चुके होते हैं, इसलिए च्युइंगम का, ब्रेड का, ये जो भी मीठी चीज है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। देन है टंग के बारे में। तो टंग सबसे स्ट्रांगेस्ट मसल है बॉडी में, खाने को मिक्स करने में हेल्प होती है, करती है, और दांतों के बीच में सफाई भी करती है कुछ फंस जाता है तो, और खाने को निगलने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो पीछे का पार्ट होता है उसमें हमें फील होता है तीखा, ओके, बिटर फील होता है हमें, और ये जो साइड के हैं जीभ के साइड में हमें फील होता है खट्टी चीज होगा, ठीक है। और जीभ के जो आगे वाला पोर्शन है उसमें हमें फील होता है स्वीट एंड सॉल्टी चीज होगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि कहाँ आपको जीभ के कौन सी साइड में कैसा फील होता है, कैसा टेस्ट आता है, ओके। चलो, देन है स्टोमक विद विंडो। तो इसमें एक स्टोरी है, एक सोल्जर था मार्टिन, 1822 की स्टोरी है। तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी था लेकिन उसको गोली लग गई थी, ठीक है, तो उसमें हो गए थे वाउंड। तो इसका इलाज करते हैं डॉक्टर बर्मोंट। तो बर्मोंट देखते हैं 1.5 साल बाद सभी घाव भर गए हैं लेकिन स्टमक के ऊपर, मतलब एब्डोमेन के ऊपर, पेट वाला घाव नहीं भरा और उसमें से पेट को आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है। तो डॉक्टर बर्मोंट सोचते हैं इस पेट पे इसके एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो 9 सालों तक ये एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पे, ठीक है, और इसके पेट में से डायरेक्टली जूस निकाल लेते हैं या लिक्विड निकाल लेते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसमें 10 मछली के पीस रखते हैं और 10 मिलीमीटर जूस रखते हैं। तो कुछ घंटे बाद क्या होता है, वो मछली डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। और ये भी इन्होंने बताया था कि स्टमक का जूस क्या है, एसिडिक है, मतलब अम्लीय है, अम्ल है ये, जिसका पीएच हो सकता है 1.5 से लेके 3 तक, मतलब बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड होता है। और पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। चलो, ये है रश्मि, 5 साल की है। इसके हाथ पैर बहुत ही ज्यादा पतले हैं और इसका पेट क्या है, बलून की तरह है, पॉट बैली है, ठीक है। ये हमेशा थकी हुई फील करती है क्योंकि ये मेल नरिश्ड है, मतलब कुपोषण का शिकार है, इसको खाना अच्छे से नहीं मिलता है। और ये है कैलाश, 7 साल का। ये अपनी एज से बड़ा दिखता है, इसकी बॉडी फैट है, फ्लैबी है, और ये एक्टिव नहीं है क्योंकि ये बाहर का बहुत खाता है। चलो, देन है मैंगो जाऊंगे, चैप्टर 4,
तो इसमें पहली टर्म ये है कि जो ब्रेड है वो किसके कारण खराब होता है, वो खराब होता है फंगस के कारण। फंगस की भी कौन सी टाइप? मोल्ड। ओके, मोल्ड के कारण उसमें खराब हो जाता है वो। देन एक जगह का नाम एत्रेयापुरम, तो एत्रेयापुरम है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। देन है आम पापड़, तो आम पापड़ को एत्रेयापुरम में कहते हैं मामेदी तंत्र, ठीक है। ये टर्म याद रखना कि आम पापड़ को एत्रेयापुरम में क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मामेदी तंत्र। ओके चलो, देन है चैप्टर 5 सीड्स एंड सीड्स। तो स्प्राउट्स तो सबको पता ही है, चनों को भिगो दो या दालों को भिगो दो, होल ग्रेन को भिगो दो और कुछ दिन बाद उसमें से क्या है, स्प्राउट्स निकल आते हैं, ठीक है। देन है पिचर प्लांट, पिचर का मतलब होता है मटकी। तो ये जो इसकी जो लीफ होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है, पिचर की तरह, मतलब मटके की तरह डिजाइन है इसका। इसको कहते हैं नेपेंथिस भी कहते हैं इसे, और ये पाया जाता है इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में एंड मेघालय में। ये कीड़ों को अट्रैक्ट कैसे करता है? ये कीड़ों को अट्रैक्ट करता है अपने ऑर्डर से या अपनी स्मेल से, ठीक है। तो जब कीड़े आते हैं तो वो इसमें गिर जाते हैं, ओके। और इसमें होता है डाइजेस्टिव जूस, इसमें मतलब लिक्विड होता है जो कि कीड़ों को डाइजेस्ट कर लेता है और पौधे इसे ले लेते हैं न्यूट्रेंट, ठीक है। तो पिचर प्लांट याद रखना आप। चलो, देन है स्मॉलेस्ट सीड, वो है ऑर्किड, और जो बिगेस्ट सीड है वो है डबल कोकोनट या लोडोइसिया मालदीविका। इसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है, इसलिए इसको कहते हैं डबल कोकोनट, ठीक है। तो सबसे छोटा सीड है ऑर्किड, सबसे बड़ा सीड है डबल कोकोनट, ओके। और पिचर प्लांट होता है मटके की तरह, नेपेंथिस कहते हैं इसे। चलो, अब कुछ सीड्स उड़ सकते हैं, मतलब हवा के मदद से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो एनसीईआरटी में ये दो एग्जांपल दिए हैं, कैनेथ रॉली याद रखना और ओल्गा जेरार्ड, ठीक है। ये हवा की मदद से एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाते हैं। चलो, देन है कि कौन सी चीज कहाँ से आई है? तो पोटैटो, टोमेटो एंड ग्रीन चिली आई है साउथ अमेरिका से, ओके। कैबेज, बंद गोभी या पी आई है यूरोप से। कॉफी, लेडी फिंगर या भिंडी आई है अफ्रीका से। ये चीजें याद रखना क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट टर्म है, कुछ छोड़ नहीं सकते हो। मैंगो, ऑरेंज, बनाना, रेडिश, मूली, मेथी, फेनुग्रीक, स्पेनिच, ब्रिंजल, ये सभी कहाँ से? इंडिया से। चलो, देन आता है वेलक्रो। तो वेलक्रो किसने बनाया था, किसने इन्वेंट किया था? 1948 में इन्वेंट किया था ये जॉर्ज मेस्ट्रल ने। वेल्क्रो आपने देखा होगा ना जूते पे, मतलब अपने आप ये चिपक जाता है, इसको कहते हैं वेल्क्रो, ओके। तो नाम याद रखना, कौन से साइंटिस्ट थे? जॉर्ज मेस्ट्रल। 1948 में इन्होंने बनाया था वेल्क्रो। चलो, चैप्टर 6। चैप्टर 6 में है एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो इसमें क्या स्टोरी है, एक डार्ड सिसार की, जिसमें सार का मतलब है लेक, और ये बनी थी राजा गाडसी के द्वारा, जो कि है जैसलमेर में 650 साल पहले। डार्ड सिसार, जिसमें सार का मतलब है लेक, ये बनी थी किंग गाडसी के द्वारा जैसलमेर में 650 साल पहले, ठीक है। और ये स्टेप वाइज मैनर बनी थी, मतलब एक जब भर जाती थी तो इसका पानी चला जाता था दूसरी में, दूसरी भर जाती थी तो इसका पानी चला जाता था तीसरे में। और ये टोटल कितनी लेक हैं? ये है 9 लेक्स थी इकट्ठी। तो पानी जब इसमें बारिश के टाइम में भर जाता था तो गर्मियों में अगले साल लोगों को दिक्कत नहीं होती थी, पूरे साल पानी चलता था, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया, मतलब 9 लेक थी, तो 9 लेक बहुत दूरी में थी, अब इसके बीच में जगह बन गई, तो ये लेक खत्म सी होती जा रही है, ठीक है। चलो, तो इसमें एक स्टोरी आती है, एक ट्रैवलर थे उज्बेकिस्तान के, जिनका नाम था अल बिरूनी, ठीक है। अल बिरूनी आया था इंडिया में और उसने इंडियन पीपल के लिए बहुत अच्छा लिखा था कि इन्हें पॉन्ड्स बनाने का और लेक्स बनाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ये पानी स्टोर करते हैं, ठीक है। अल बिरूनी उज्बेकिस्तान का था।
और अल बेरोनी की एक स्टैम्प भी आई थी 1973 में, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान अल बेरोनी 1973 में इनकी स्टैम्प आई थी। चलो देन होती है बावड़ी या बावली जिसे कहते हैं, ये क्या है, स्टेप वेल है, सीढ़ीदार कुएं होते हैं ये, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, पानी स्टोरेज का काम करते हैं ये भी, आप फिगर में देख सकते हो ऐसे दिखती हैं ये। चलो एक्सपेरिमेंट विद वाटर, तो इसमें एग्जांपल है डेड सी का। डेड सी में सबसे ज्यादा सॉल्ट कंसेंट्रेशन है पूरी दुनिया में, ठीक है। ओशियन वैसे भी सॉल्टी होते हैं लेकिन ये डेड सी जो है सबसे ज्यादा सॉल्टी है। इसमें जो नमक की मात्रा है वो है 300 ग्राम या 300 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो प्लीज याद रखना, तो इसमें कोई भी चीज डूबती नहीं है और किसी को तैरना नहीं आता तो वो भी नहीं डूबेगा, वो पानी में ही ऊपर फ्लोट करता रहेगा, ओके। सबसे ज्यादा सॉल्टी सी है डेड सी और इसमें नमक की मात्रा है 300 ग्राम पर लीटर और ये सॉल्टीएस्ट सी है, ठीक है, सबसे नमकीन समुद्र है ये। चलो देन आती है बारी डांडी मार्च की। कब हुआ था ये, 1930 में। एक्चुअली ये इसलिए हुआ था क्योंकि ब्रिटिश जब रूल करते थे तो उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स कर रखा था नमक पे और जो लोग थे वो नमक अपने आप से नहीं बना सकते थे, ठीक है। तो इसको खत्म करने के लिए गांधी जी ने यात्रा करी अहमदाबाद से डांडी तक। डांडी क्या है, एक्चुअली सी शोर है, मतलब समुद्र का किनारा है गुजरात में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, डांडी मार्च कब हुआ था, 1930 में, और कहां से कहां तक यात्रा हुई थी, अहमदाबाद से लेके डांडी तक, ओके। चलो देन है चैप्टर 8, ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, पढ़ेंगे अभी हम। तो एनीमिया पढ़ लेते हैं पहले। तो एनीमिया क्या है, एक डिजीज होती है जिसमें आरबीसी का नंबर कम हो जाता है। अब आरबीसी का नंबर कम हो जाता है तो नॉर्मल सी बात है हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी में ही होते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन कम होता हो जाता है तो ऑक्सीजन बॉडी में नहीं होती है, ठीक है, और इससे हमें फिर चक्कर आने लगते हैं और बहुत सारी डिजीज हो जाती है। ये बेसिकली क्यों होता है, कुछ विटामिन की कमी से भी होता है, विटामिन B6 B12, और बेसिकली ये होता है आयरन की कमी से, ठीक है, जिसको कहते हैं फॉलिक एसिड। तो ये याद रखना, एनीमिया किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। चलो देन है मलेरिया। तो मलेरिया क्या है, एक वेक्टर बोन डिजीज है। वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल, तो इसमें व्हीकल कौन है, फीमेल एनोफिलीज है, ठीक है। फीमेल एनोफिलीज क्या करती है, प्रोटोजोवा को जो कि है प्लाज्मोडियम, उसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, ठीक है। सभी के नाम याद रखना, फीमेल एनोफिलीज और प्लाज्मोडियम पैरासाइट, इस प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी में ही इंजेक्ट कर देती है, ठीक है। ये है फीमेल एनोफिलीज, ये है लार्वा और ये है मेल मॉस्किटो। मेल मॉस्किटो भी जरा फ्रूट्स पे जिंदा रह लेता है, ठीक है, इसको ब्लड की जरूरत नहीं होती ज्यादा, तो ब्लड खाली ये फीमेल एनोफिलीज सब करती है, चूसती है, ओके, या हमें बाइट करती है। चलो ट्रीटमेंट, ये बुक में है इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं। तो ट्रीटमेंट इसका क्या है, क्विनोन। क्विनोन जो ड्रग है वो कहां से निकलता है, सिंचोना या सिनकोना प्लांट, आपको जैसे याद करना है वैसे याद कर लो लेकिन नाम याद होना चाहिए। तो ये सिनकोना प्लांट से निकलता है क्विनोन, बेसिकली इसकी छाल से निकलता है, ठीक है। तो ये छाल होती है, इसी से निकलता है क्विनोन, क्लियर याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो देन ये भी इंपॉर्टेंट है, रोनाल्ड रोस इनको मिला था नोबेल प्राइज December 1902 में, 1902 में। क्यों, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था प्लाज्मोडियम को। इससे पहले क्या था, ये पता था कि बस मच्छर से मलेरिया होता है, लेकिन मच्छर में ऐसा है क्या, तो वो चीज डिस्कवर की थी रोनाल्ड रॉस ने। उन्होंने बताया कि मच्छर के पेट में क्या है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने इनको मिला था नोबेल प्राइज, क्लियर है। इससे पहले बस ये पता था कि मच्छर से होता है लेकिन मच्छर के अंदर है क्या, तो वो चीज बताई थी रोनाल्ड रॉस ने कि मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम है, उनके पेट के अंदर प्लाज्मोडियम है, जिसके कारण हमें मलेरिया हो जाता है, क्लियर है।
सभी चीज़ें याद रखना, क्विनोन, सिंकोना प्लांट, रोनल्ड रॉस एंड नोबेल प्राइज 1902। चलो देन हैंड चैप्टर 9, अप यू गो। तो ये स्टोरी है बचेंद्री पाल जी की। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 23 मई 1984 को, 23rd मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पे ये चढ़ी थी। ठीक है, मतलब माउंट एवरेस्ट पे उस दिन पहुंची थी। तो इंडिया की पहली लेडी थी वो, थी, और वर्ल्ड की फिफ्थ वीमेन थी। ओके, तो ये सभी पॉइंट याद रखना इनसे रिलेटेड। ये हैं बचेंद्री पाल जी, आप देख सकते हो। चलो इस चैप्टर से रिलेटेड और पढ़ लेते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उत्तरकाशी में। ओके, और जो इनके इंस्ट्रक्टर थे उनका नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी। ये सभी चीजें प्लीज ऐसे दिमाग में बैठा लो, कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं सागर माथा। ठीक है, इनको कहते हैं सागर माथा, माउंट एवरेस्ट को। स्लिंग, स्लिंग क्या होता है? एक तरह का हुक होता है, मतलब ऐसे होता है, आपने शायद देखा हो, वो इधर हो जाता है और उसको फिर आप कहीं डाल दो, मतलब रस्सी कर दो, ये हुक बंद हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं स्लिंग। चलो रैपलिंग, रैपलिंग क्या है? एक टेक्निक है जो कि माउंटेन से उतरने के लिए यूज होती है। ओके, इसको कहते हैं रैपलिंग। चलो देन है चैप्टर 10, बॉल टेल्स स्टोरीज। इसमें कहानी है गोलकोंडा फोर्ट की। गोलकोंडा फोर्ट कहाँ है? तेलंगाना में है, पहले हैदराबाद में था लेकिन अब तेलंगाना करना है इसको। ठीक है, तो ये कब बना था? बेसिकली ये बना था 1200 के करीब। ओके, तो ये जो फोर्ट है वो कैसे बना था? मड से बना था और स्टोन से बना था। ठीक है, और यहाँ पे रूल किसका था? 1518 से लेके 1687 तक कुतुब शाही सुल्तान यहाँ पे रूल करते थे। ठीक है, चलो देन है यहाँ बास्टन। बास्टन होती है बुर्ज, मतलब इस तरह से इनको कहते हैं किले में, अगर ये है, ये है बुर्ज। ठीक है, तो बुर्ज से क्या होता है? आदमी यहाँ भी देख सकता है, आदमी यहाँ भी देख सकता है, यहाँ भी देख सकता है। अगर सफार दीवार होगी तो आदमी बस सीधा देख सकेगा। तो इनका मकसद ये था कि अगर कहीं से दुश्मन आए तो उन पे नजर रखी जा सके। ठीक है, इसको कहते हैं बुर्ज। क्लियर है? तो इस फोर्ट में टोटल 87 बुर्ज हैं, बेस्टन्स है, मतलब हर जगह से निगरानी रख सकते थे सैनिक। यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे हैं, बंजारा दरवाजा, जमाली दरवाजा, मोती दरवाजा, फतेह दरवाजा, बामनी दरवाजा, बौद्धी दरवाजा, मकाई दरवाजा, पैटन चेनू दरवाजा। ये क्या है? मेन डोर्स हैं इस किले के। ये उतना रिमेम्बर करने की चीजें नहीं है लेकिन याद कर लो तो ठीक है। एक चीज है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि जो फतेह दरवाजे पे अगर आप वो कुछ बोलते हो तो वो डायरेक्टली किंग के पैलेस में सुनाई देती है। ठीक है, ऐसी टेक्निक थी या ऐसी दीवार कह सकते हो आप, कि वो डायरेक्टली सुनाई देता था राजा के महल में। ठीक है, चलो देन है ये राहत इरिगेशन सिस्टम या राहत सिस्टम। तो इसमें क्या होता है? टूथ वेल होती है, ड्रम होती है, बैल जब घूमता है, बैल ऐसे घूमता है तो ये ऐसे घूमती है और पानी यहां से उठ के जहां पे जरूरत होती है वहां चला जाता है। इसको कहते हैं राहत सिस्टम। ठीक है, चलो देन है खड़ाऊ। खड़ाऊ आई थिंक सबको पता ही है, खड़ाऊ क्या होते हैं? एक तरह के चप्पल होते हैं लकड़ी के। ठीक है, मतलब ऐसे होते हैं ना, बस अंगूठा फंसाने की जगह होती है, इनको कहते हैं खड़ाऊ। देन है मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? केरला में है। देन एक टर्म है इसमें मसक। मसक क्या होता है? एक तरह का लेदर बैग होता है। ठीक है, चमड़े का बैग होता है जो खच्चर के दोनों तरफ लटकता है ना, पहले यूज होता था, इसको कहते हैं मसक। मसक है लेदर बैग। चलो देन है चैप्टर 11, सुनीता इन स्पेस। इसमें पहली इम्पोर्टेंट चीज है आइसेक एसिमो, जिनको कहते हैं लॉन्ग मैन। तो लॉन्ग मैन ने बताया था कि अर्थ क्या है? राउंड है। ओके,
चलो देन सुनीता विलियम्स के बारे में, कि उन्होंने 6 महीने से ज्यादा स्पेस में गुजारे थे, ठीक है, अंतरिक्ष में गुजारे थे। और इनका रॉकेट कब टेक ऑफ हुआ था? इनका रॉकेट हुआ था 9/12/2006 को। ये सभी इंपॉर्टेंट टर्म है तो ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कितनी ऊपर गई थी अर्थ से? ये गई थी 360 किलोमीटर ऊंचाई पे। और इनके नाम पे एक और रिकॉर्ड है कि इन्होंने सबसे लंबी स्पेस वॉक करी थी। स्पेस वॉक होता है मतलब स्पेस स्टेशन के बाहर जाके काम करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ मरम्मत के काम होते रहते हैं, रिपेयर के काम होते रहते हैं, तो ये रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम था। ये चीज़ें प्लीज याद रखना। और पहले इंसान कौन थे मून पे कदम रखने वाले? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने कदम रखा था 1969 में, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज याद रखना। चलो देन है चैप्टर 12, बट इफ इट फिनिशेस, ठीक है। तो इसमें एक टर्म है अदर लार्ज, ओके। अदर लार्ज क्या है? एक स्टेप वेल, हमने पहले पढ़ा है। स्टेप वेल क्या होता है? एक सीढ़ीदार कुआं होता है जो कि दूर है, 18 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से। चलो देन है ऑयल या पेट्रोलियम या डीजल या क्रूड ऑयल क्या है? बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स हैं, मतलब जीवाश्म हैं, और जो कि खत्म हो सकते हैं क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं और हम बहुत तेजी से इन्हें यूज कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज्यादा टाइम लगता है बनने के लिए। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जो कि मिलती है हमें नेचुरल गैस के भंडार से। पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, याद रखना, ये है नेचुरल गैस, ठीक है। एलपीजी क्या है? एलपीजी है पेट्रोलियम पदार्थ जो कि मिलता है हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्रूड ऑयल के, ठीक है। जो पेट्रोलियम का जब डिस्टिलेशन करते हैं तब हमें मिलती है एलपीजी। एलपीजी अलग है, पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है, सीएनजी नेचुरल गैस है। चलो और क्या मिलता है हमें क्रूड ऑयल से, पेट्रोलियम से? पेट्रोल, डीजल, कोल टार, पैराफिन वैक्स, प्लास्टिक्स के जो मोनोमर्स होते हैं वो भी हमें मिलते हैं पेट्रोलियम से। जो फाइबर्स बनते हैं उसके जो मोनोमर्स होते हैं वो भी हमें मिलते हैं पेट्रोलियम से ही, ठीक है। पेट्रोलियम का मतलब यहाँ पे क्रूड ऑयल। चलो देन है एसेल्टर सोहाई। तो लेह लद्दाख को क्या कहते हैं? कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, ठीक है, ठंडा रेगिस्तान। यहाँ पे जूली जूली का मतलब होता है वेलकम, ओके, मतलब वेलकम वेलकम या वेलकम जूली। और यहाँ पे घर बने होते हैं पत्थर के और इनको कोट किया जाता है, इनकी कोटिंग की जाती है मड से और चूने से, ठीक है। चलो देन एक टर्म है इसमें छेंगतांग। छेंगतांग का मतलब है कि जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। कुछ लोग इसलिए रहते हैं कि भाई बहुत ऊंचा है, सबके बस की बात नहीं है इतनी ऊंचाई पर रहना। ये 5,000 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है, लद्दाख में। तो इतनी ऊंचाई पे ऑफ कोर्स ज्यादा लोग नहीं रह पाते, जो वहां के लिए एडेप्ट हो गए हैं वही रह पाते हैं, ठीक है। तो छेंग टैंग याद रखना। देन है छेंगपा। छेंगपा क्या है? एक ट्राइब है, ठीक है, ट्राइब है जो कि पहाड़ों पे रहती है इसी जगह पे, इसलिए कहते हैं इन्हें छेंगपा। इनके पास क्या है? बकरियां हैं जिससे मिलती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ऊल, जिसको कहते हैं, जिसे बनती है पश्मीना शॉल, ठीक है, ये चीज याद रखना। अभी बताता हूँ मैं। तो ये जो गॉड्स हैं ये हैं एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब मैंने पहले बताया है, एंडेमिक होती है वो स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर रीजन पे मिलती हो, ठीक है, ये कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो इनके फाइन एयर्स होते हैं। फाइन एयर्स भी क्यों होते हैं? जब ठंडी इलाके में ये रहती हैं तो इनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फाइन एयर्स आ जाते हैं, मतलब पतले बाल आ जाते हैं जो कि इनको गर्म रखते हैं इस एनवायरमेंट में, ठीक है। और इसी से बनती है पश्मीना की शॉल। ये महंगी क्यों है? महंगी इसलिए क्योंकि भाई भेड़ उसी पर्टिकुलर इलाके में रहती है। आप सोच सकते हो कि सभी लेना चाहते हैं और इसलिए महंगी भी है, ठीक है। चलो इन गॉड्स को क्या कहते हैं? इन गॉड्स को कहते हैं चैंग थंगी और लद्दाख पश्मीना। ये टर्म्स प्लीज याद रखना। इन बकरियों को कहते हैं चैंग थंगी। चलो यहाँ पे कुछ स्पेशल टेंट होते हैं जिनको कहते हैं रेबो। रेबो किससे बने होते हैं? याक के बालों से,
मतलब उनके बालों को आपस में गुथ के फाइबर्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। देन इन फाइबर्स को आपस में जोड़ दिया जाता है फैब्रिक को, और पूरा टेंट ऐसे ही बनता है ये, ठीक है। याक के बाल गर्म होते हैं इसलिए ये टेंट में यूज करते हैं, इनके टेंट को कहते हैं रेबो। चलो देन है लेखा। लेखा क्या है? एक प्लेस है जहां पे चैंगपा अपनी भेड़ों को और बकरियों को रखते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं लेखा। चलो देन श्रीनगर की बात आती है चैप्टर में। श्रीनगर में क्या है? डोंगा। डोंगा एक्चुअली क्या है? एक हाउस बोट होती है जिसमें बहुत से रूम्स होते हैं या कमरे होते हैं, ठीक है। चलो इसमें अर्थक्वेक की बात है, वेन अर्थ सुक। तो 26 जनवरी 2001 को आई थिंक कुछ लोगों को तो याद भी होगा, तो इस दिन आया था भूकंप गुजरात कच्छ में। एनडीआरएफ, एनडीआरएफ होती है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जो कि जब नेचुरल डिजास्टर सिनारियो होता है तो यही हेल्प के लिए आगे आते हैं, ठीक है। और नेचुरल कैलेमिटीज क्या हैं? वो हैं फ्लड्स, बाढ़, फॉरेस्ट फायर, साइक्लोन्स। तो इस चैप्टर में ज्यादा नहीं था। चलो इस चैप्टर में भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें बस ये याद रख लो कि ये जो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड ये पोएम लिखी है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे या राष्ट्रपति थे। ओके, चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं था, स्टोरी थी और उसमें कोई इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है। चलो चैप्टर 16 हु विल डू दिस वर्क, तो इसमें अनटचेबिलिटी के बारे में है और होम ह्यूमन सिक्वेंसिंग के बारे में। तो इससे रिलेटेड हम एक्ट पढ़ लेते हैं, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी या छुआछूत बिल्कुल प्रोहिबिट है, अगर कोई करता है ऐसा तो उसे जेल हो सकती है। देन बात आती है साबरमती आश्रम की। साबरमती आश्रम कहाँ पे? गुजरात में है, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने बनाया था ये, और यहाँ पे कोई स्पेशल पर्सन नहीं था आपके एक्सक्रीटा को फेंकने का, तो आपको अपना मल मूत्र खुद ही फेंकना था, ठीक है। और ये महात्मा गांधी जी ने इसलिए बनाया था ताकि अनटचेबिलिटी को खत्म किया जा सके। चलो देन भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो किसके अंडर लिखा गया था? वो लिखा गया था भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में। ओके, चलो देन है अक्रॉस द वॉल। तो इसमें ये स्टोरी है अफसाना मंसूरी की। ये क्या है? एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं जो कि एनबीए में, मतलब नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, जो कि है मुंबई में। एकोटा में इसमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन, जो कि एक रेलवे स्टेशन है, कहाँ पे है ये? मुंबई में है। ओके, सोलापुर है महाराष्ट्र में। चलो चैप्टर 18 में कुछ खास नहीं था, चैप्टर 19 पढ़ते हैं। ए सी टेल्स ए फार्मर स्टोरी। तो इसमें बाजरा, बाजरा को कहते हैं मिलेट, जवार को कहते हैं सोरगम। देन है इसमें एक टर्म वन गाम। वन गाम कहाँ है? गुजरात में है। ओके, नीम को हम कैसे यूज करते हैं? नीम को हम यूज करते हैं जी नेचुरल इंसेक्टिसाइडल, मतलब कीड़ों को रोकने के लिए। ये अनाज में हम डाल देते हैं ताकि हमारे अनाज में कीड़े ना लगे, ठीक है। देन है उंधिया। उंधिया क्या होती है? एक तरह की स्ट्यू है, ठीक है। स्ट्यू क्या होता है? एक तरह की डिश है जो कि क्ले पॉट में बनाई जाती है सब्जी और मसालों के साथ। चरखा स्पिनिंग व्हील क्यों यूज करते हैं? कॉटन को कातने के लिए। ओके, जो कि यूज किया जाता था महात्मा गांधी के द्वारा। चलो बा को कहते हैं मदर। देन इसमें टर्म है देहरी विलेज। देहरी विलेज कहां पे है? गुजरात में है, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है क्रॉटन प्लांट्स के बारे में है। ये आप जो देख रहे हो ये क्या है? क्रॉटन प्लांट्स है। क्रॉटन प्लांट्स को कई बार इसलिए यूज किया जा सकता है क्योंकि ये सिग्नल देते हैं कि सॉइल कब ड्राई हो गई है। कैसे देते हैं? इनकी जो रूट्स है ना वो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाती है, तो जब जमीन की ऊपर वाली लेयर में पानी खत्म हो जाता है और इनकी जड़ बस इतनी जाती है, वो डीप ग्राउंड तक नहीं जाती,
तो जब ऊपर वाली लेयर में सॉइल के पानी कम हो जाता है तो इसकी जो पत्तियां हैं वो मुड़ जाती हैं, ठीक है। और किसानों को या फार्मर्स को आसानी से पता चल जाता है कि अब पानी देने की जरूरत है, इससे पानी का वेस्टेज भी नहीं होता है। सिंपल, क्योंकि इसकी जड़ नीचे से जाके पानी नहीं ले सकती हैं, इनकी जड़ रहती हैं बस यहां तक। तो यहाँ का पानी जब जमीन का ऊपर वाली सॉइल का सूख जाता है तो ये इनकी पत्तियां भी मुड़ जाती हैं, और ऐसे किसानों को पता चल जाता है कि कब पानी देना है मिट्टी में। एक्चुअली टेक्निक है, ओके, टेक्नोलॉजी टाइप यूज करते हैं इसको। चलो, देन है कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है? नेचुरल फर्टिलाइजर्स होता है जो कि बनता है ऑर्गेनिक वेस्ट से, ठीक है, जो कि घरों में बनता है। मतलब आप मिट्टी में अपना जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, चाय की पत्ती है, जो भी पुरानी सब्जियां हैं, आप मिट्टी में दबा दो, वो बन जाएगा कंपोस्ट। चलो, देन है चैप्टर 20, हूज फॉरेस्ट, कि किसका जंगल। तो ये है, यहाँ पे एक टर्म है कुड़ुक लैंग्वेज। कुड़ुक लैंग्वेज क्या है? झारखंड में बोली जाती है कुड़ुक कम्युनिटी के द्वारा। ये एक्चुअली क्या है? ट्राइब है एक, और जो जंगल में ही रहते हैं, जिन्हें आदिवासी कहते हैं। याद रखना, कुड़ुक रिलेट करती है झारखंड से, और ये लैंग्वेज बोली जाती है कुड़ुक कम्युनिटी के द्वारा। इसमें स्टोरी है सूर्यमणि की। सूर्यमणि की स्टोरी रियल स्टोरी है। इनको गर्ल स्टार भी कहते हैं। ये पूछ सकता है भाई कि गर्ल स्टार सूर्यमणि क्या है, गर्ल स्टार है, ठीक है। गर्ल स्टार क्या था? एक प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट के द्वारा, जिन्होंने स्कूल जाके लाइफ बदली हो अपनी, ठीक है। तो उसके तहत इनको ये टाइटल दिया गया। तो सूर्यमणि ने बहुत सारे आंदोलन में भी पार्ट लिया, जैसे कि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, मूवमेंट टू सेव फॉरेस्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। ये टर्म्स प्लीज याद रखना। और इन्होंने एक सेंटर स्टार्ट किया जिसका नाम है तोरंग, ठीक है। तोरंग का मतलब होता है जंगल, उनकी लैंग्वेज में तोरंग का मतलब है जंगल। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि तोरंग का मतलब क्या है, तो तोरंग का मतलब है जंगल। चलो, इसी से रिलेटेड एक एक्ट दे रखा है, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, जो कि आया था 2007 में। इसमें लोगों को ये राइट है कि अगर कोई 25 साल से किसी जंगल में रह रहा है तो वो जंगल या वो लैंड, फॉरेस्ट लैंड उन्हीं का है, ठीक है, और उनको वहां से हटाया नहीं जाएगा। तो जो भी जंगल की प्रोटेक्शन की बात है, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन की बात है, उसका ध्यान कौन रखेगा? उसका ध्यान रखेगा ग्राम सभा। सिंपल। चलो, देन है हिल्स ऑफ मिजोरम। तो हिल्स ऑफ मिजोरम क्या है? लॉटरी सिस्टम होता है। लॉटरी सिस्टम के तहत उन्हें जमीन मिलती है, ठीक है। तो अगर ये पूछे कि कहाँ पे जमीन लॉटरी सिस्टम के जरिए अलॉट की जाती है, तो वो है मिजोरम। थ्री टिन ऑफ लैंड। थ्री टिन ऑफ लैंड का मतलब है तीन टिन, ठीक है। टिन टिन का मतलब है जिसमें एक टिन में जितने सीड हैं उतनी जगह उनको दे दो, ठीक है। तो तीन टिन में जितने सीड आएंगे और जो आदमी वो उतने एरिया में बो पाएगा, उस वो जगह उसकी, ठीक है। मतलब टिन के अकॉर्डिंग उन्हें जगह मिलती है। एक टिन जगह सपोज मुझे मिल गई, तो मुझे इतनी जगह मिली है कि मैं अपने एक टिन सीड उगा सकता हूँ किसी जमीन पे, ठीक है। दो टिन सीड, दो टू टिन ऑफ लैंड मिला है, तो इसका मतलब मैं टू टिन ऑफ सीड उगा सकता हूँ किसी पर्टिकुलर लैंड पे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। और ये सबको डिसाइड होता है फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग और नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप क्लियर है। चलो, देन है झूम फार्मिंग। झूम फार्मिंग पे क्वेश्चन आता है, झूम फार्मिंग कहाँ पे होती है? मिजोरम में, और बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में होती है। तो इसमें क्या करते हैं, एक फसल उगने के बाद उस लैंड को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, कई सालों तक उसमें क्या है, कुछ भी नहीं उगाया जाता, और जो भी बांस लगता है, जो भी इसमें खर पतवार लगती है, उसको काट के वहीं पे जला दिया जाता है, ठीक है। उसमें से फिर निकलती है राख, और राख से जो लैंड है वो बन जाता है फर्टाइल, ठीक है, उपजाऊ बन जाता है। और जब लैंड तैयार हो जाता है तो उसमें हल नहीं चलाया जाता है, ठीक है, हल नहीं चलाते हैं, हल्का सा बस डक करके, हल्का सा उसमें खड्डा करके सीड उगा दिए जाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं झूम फार्मिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इससे। और नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली जो मेन क्रॉप है वो है राइस, ठीक है।
चलो देन है चीरो डांस, चीरो या चीरो डांस ये होता है मिजोरम में। आपने आई थिंक कई जगह देखा भी होगा, बांस को ऐसे पटकते रहते हैं ना और वो डांस करते रहते हैं, ठीक है। तो ये डांस होता है मिजोरम में चीरो डांस विद द हेल्प ऑफ बैम्बू। चलो देन है चैप्टर 29 लाइक फादर लाइक डॉटर। तो इसमें ट्रेड्स की बात है। ट्रेड्स क्या होती हैं? एक्चुअली कैरेक्टर्स या फीचर होते हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। इसमें है पोलियोमाइलिटिस के बारे में कि पोलियो जो डिजीज है वो इनहेरिटेड डिजीज नहीं है, मतलब अनुवांशिक बीमारी नहीं है, ये वायरस के कारण होती है, ठीक है। और जिसका इलाज संभव है अगर बच्चों को 5 साल तक प्रॉपर वैक्सीनेट किया जाए तो, ठीक है। चलो देन इसमें बात है क्रीगर जोन मेंडल जो कि ऑस्ट्रिया के थे और इनका जन्म हुआ था 1822 में। इन्होंने तकरीबन तकरीबन 28,000 प्लांट्स पे काम किया था जब ये मोनेस्ट्री में थे, मतलब एक साधु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। तो इन्होंने 28,000 प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया और वो प्लांट से बेसिकली पी प्लांट, ओके, मटर के प्लांट थे। तो ये क्वेश्चन आया कि ग्रीगर जोन मेंडल ने कौन से प्लांट्स पे काम किया, तो वो थे मटर के प्लांट, ठीक है। और ग्रीगर जोन मेंडल को कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये क्वेश्चन में से नहीं आएगा पर फिर भी पता होना चाहिए। चलो ऑन द मूव अगेन, तो इसमें है पूरन पोली। पूरन पोली एक्चुअली क्या होती है? स्वीट रोटीज होते हैं जो कि बनती है जैगरी एंड ग्रैम से, ओके। देन है आई, आई किसको कहते हैं? मदर को कहते हैं, ओके। देन है मुकद्दम, मुकद्दम कौन होता है? एजेंट हु लेंड्स मनी, मतलब जो पैसे उधार देता है। ये टर्म्स याद रखना यार, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन बस यही टर्म्स हैं और टॉपिक्स हैं, ओके। कारवां क्या होता है? कारवां एक बड़ा सा व्हीकल होता है जो कि कार के द्वारा या बैल के द्वारा, घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है। और इसमें ना सभी सामान होते हैं, इंसान सो सकता है, कुकिंग का सामान होता है और सब कुछ होता है, ठीक है। मतलब वो कहीं भी रुक के अपना टेंट लगा सकते हैं और कहीं जाना तो फिर से चल सकते हैं, उनको कहते हैं कारवां। सो फिफ्थ क्लास की पूरी ईवीएस हो गई, आई होप अच्छी लगी हो। थर्ड एंड फोर्थ की ईवीएस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप थर्ड एंड फोर्थ की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो बाय कर सकते हो, ठीक है, वरना ये वीडियो तो है ही। सो आई होप वीडियो अच्छा था और आपके काम का था, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली हमने, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो आपका परसों पेपर है, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आपका पूरा साल मंगलमय हो, आप हेल्दी रहो, आपको वो सब कुछ मिले जो आपने चाहा है, ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर।